साल 2022 खत्म होने को है। ये साल बॉलीवुड के लिए अच्छा किसी भी लिहाज से नहीं रहा। इस साल हिंदी सिनेमा की कई फिल्में रिलीज तो हुई, लेकिन उनमें से बहुत सी फिल्में ठंडे बस्ते में चली गईं। कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। वहीं कुछ दिनों पहले रिलीज हुई रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस भी आखिरकार फ्लॉप साबित होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज किया गया। इस गाने को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। विवादों के बीच अब फिल्म के लिए अच्छी खबर भी आ रही है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान का टीजर कुछ समय पहले रिलीज किया गया था। इसके बाद फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज किया गया। इस गाने में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहने हुए नजर आई, जिसके बाद मध्य प्रदेश की गृह मंत्री ने उस पर सवाल उठाए तो विवाद गर्मा गया। लोगों ने कई जगह पुतले जलाए और फिल्म को थिएटर में न रिलीज करने की धमकी दी। इन सब के बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग अब शुरू हो गई है। पठान की एडवांस बुकिंग को लेकर जबरदस्त खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की रिलीज में अभी एक महीने का वक्त है, लेकिन बीते 28 दिसंबर से जर्मनी में पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। दरअसल जर्मनी में पठान के थिएटर की बुकिंग के स्क्रीनशॉट्स बीती रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जर्मनी के मल्टीप्लेक्स चेन की वेबसाइट पर फिल्म की टिकट बिक्री शुरू कर दी गई है। बर्लिन, एसेन, डैम्पटर हार्बर, हनोवर, म्यूनिक और ऑफेन बैंक में 7 थिएटर्स में बुधवार 25 जनवरी को पठान के शोज लगभग फुल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, जर्मनी का रिएक्शन देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही दूसरे देशों में भी टिकट की बिक्री शुरू की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जर्मनी जैसा रिस्पांस फिल्म को भारत में भी मिल सकता है। बता दें, जर्मनी में बेहद ही शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। विरोध के बीच विदेश में पठान को लेकर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। बता दें, जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तभी से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग ट्विटर पर जमकर बॉयकॉट पठान का ट्रेंड चला रहे हैं। इतना ही नहीं, पठान का विरोध उनके गाने बेशरम रंग ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी पठान का विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए शाहरुख 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।